हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नॉर्थ गुजरात एजुकेशन सोसाइटी मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला पाटन द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी, पाठ 11 सच्चा बालक। हमने आगे के वीडियो में पाठ को पढ़ा था। आज हम देखेंगे पाठ 11 स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद जा रहा था। 2 नंबर, बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। 3, लड़की के पास कितनी असरफिया थी? तो लड़के के पास 40 असरफिया थी। 4, लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी? जवाब, लड़के ने असरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। 5, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो जवाब, लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। 6, सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। 7, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। 8, डाकू लड़के को किसके पास ले गया? तो डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। 9, डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? उत्तर, लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी असरफिया दिखाई, तब डाकू सरदार को आश्चर्य हुआ। 10, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। 11, लड़के की माँ ने असरफिया सदरी के अस्तर में क्यों सीधी थी? उत्तर, लड़के की माँ ने असरफिया सदरी के अस्तर में इसलिए सीधी थी कि किसी को उनका पता न चले। 12, लड़का झूठ क्यों नहीं बोला? उत्तर, लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। 13 नंबर, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? तो डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलता। 14, डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की? तो डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। 12 नंबर, प्रश्न 2, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1, यात्रियों का समूह, उसे काफिला कहते हैं। 2 नंबर, लूटना और मारना, तो लूटमार। 3, सोने का सिक्का, तो असरफी। प्रश्न 3, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। 1, लड़के के पास क्या था? तो 40 असरफिया। 2, काफिले पर कौन टूट पड़े? तो डाकू। 3, बालक चुपचाप क्या देखता रहा? लूटमार। डाकुओं ने क्या करना छोड़ दिया? तो लूटमार करना। प्रश्न 4, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। काफिले पर डाकू टूट पड़े और एक एक को पकड़ने लगे, बंदूक चलाने लगे कि लूटमार करने लगे? तो उत्तर है, काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। तो तुमने इन असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? हमें क्यों नहीं बताया कि पहले क्यों नहीं बताया? तो उत्तर है, तुमने इन असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? 3 नंबर, यह लड़का अपने पास 44 असरफिया बताता है, 40 असरफिया बताता है कि 24 असरफिया बताता है? उत्तर है, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है।
चार नंबर, यह छोटा बच्चा इतना बड़ा झूठ बोला, बड़ा छुपा रुस्तम निकला कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। तो उत्तर है, यह छोटा बच्चा ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। पांच, बड़ा होकर अब्दुल कादिर महान बादशाह हुआ, महान संत हुआ कि बहुत बड़ा व्यापारी बना? तो जवाब आएगा, बड़ा होकर अब्दुल कादिर महान संत हुआ। प्रश्न पांच, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है लिखिए। एक नंबर, तेरे पास भी कुछ है? तो यह एक डाकू अब्दुल कादिर से कहता है। दूसरा, मेरे पास 40 असरफिया है, यह वाक्य अब्दुल कादिर डाकू से कहता है। तीन नंबर, तेरी असरफिया कहाँ है? तो यह वाक्य डाकुओं का सरदार अब्दुल कादिर से पूछता है। चार नंबर, झूठ बोलना पाप है, यह वाक्य अब्दुल कादिर डाकुओं के सरदार से कहता है। पांच, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, तो यह वाक्य डाकुओं का सरदार अपने साथी डाकुओं से कहता है। प्रश्न छह, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए। एक, सरदार, सरदार का समानार्थी शब्द है मुखिया। दो, सदरी, सदरी का समानार्थी है जैकेट। तीन, सदैव, सदैव यानी हमेशा। बेटा, बेटा तो पुत्र। पांच, समाधि तो मजार। छह, वर्ष तो साल। आश्चर्य तो विस्मय। प्रश्न सात, विलोम शब्द लिखिए। माँ तो उसका विलोम है बाप, बड़ा तो छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज तो कल, पास तो दूर। प्रश्न आठ, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रास्ते में खाली जगह पर डाकू टूट पड़े तो काफिले पर लड़के ने अपनी खाली जगह फाड़ डाली तो सदरी। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए खाली जगह नहीं चलते तो नेक रास्ते पर। चार, सच बोलने वाले बालक का नाम खाली जगह था तो अब्दुल कादिर। प्रश्न नौ, पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। हिंदी दैनिक पत्र अहमदाबाद रविवार 28 अगस्त 2011 से प्रसिद्ध हुआ है, किसके बारे में है? तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी, इसके बारे में दैनिक पत्र में एक लेख दिया गया है। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश उत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय वातावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रखकर शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो की वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। इस युवक मंडल द्वारा 22 फुट ऊंची गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल नाम के कलाकार को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो 22 फुट ऊंची मूर्ति बनावटे कोलकाता थी तपन मंडल नामना कलाकार ने बोलावामां आव्यो छे ने छेल्ला 1.5 महीना थी ए आ शहेरनो एटले के वडोदरानो मेहमान बनी अने गणेशजीनी मूर्ति बनावी रह्यो छे। इसके आधारित प्रश्न है, एक, अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए थे? तो अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए थे। दो नंबर, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन कौन सी है? समाचार की हेडलाइन है, वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी, यह समाचार की हेडलाइन है। तीन है, समाचार किसके बारे में है?
तो समाचार, वडोदरा में गणेश उत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। आगे प्रश्न है, समाचार के संदर्भ में कोई चार प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो अ, यह किस शहर के समाचार है? तो यह वडोदरा के शहर के समाचार है। ब, कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया? तो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। क, गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है? तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है। ड, प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। प्रश्न 10, ऐसा क्यों? एक नंबर, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 सरफिया है, ऐसा क्यों कहा? तो लड़के से उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी, वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया, मेरे पास 40 सरफिया है। दूसरा, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो, तो ऐसा क्यों कहा? तो उत्तर है, लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 असरफिया है। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई, इसलिए सरदार से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो? उत्तर, अब्दुल कादिर की जगह मैं होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देता, डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ, और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। यहाँ पर हमारा पाठ का स्वाध्याय पूरा होता है। धन्यवाद।